प्रायः यह सुनने में आ रहा है और सूचनाएं भी मिल रही हैं कि एक बाइक पर सवार दो नए लड़कों के द्वारा या तो मोबाइल स्नैचिंग की जा रही है, कई बार चेन स्नैचिंग की भी घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें नई उम्र के लड़के 18 साल, 19 साल, 20 साल, कई बार कुछ नाबालिग भी इस घटनाओं में इन्वॉल्व हैं। ऐसे मामलों में अमूमन पुलिस 392 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज करती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, लड़के पकड़े जाते हैं, मोबाइल या चेन बरामद होती है, उसके बाद नियमानुसार गैंगस्टर एक्ट या गिरोह बंद अधिनियम के तहत भी इन पे कार्रवाइयाँ की जाती हैं। पूछताछ में बात सामने आती है कि कई दफ़ा अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के शौक को पूरा करने के लिए, उसके लिए और अपने लिए महंगे कपड़े, जूते इत्यादि लेने के लिए नई उम्र के लड़कों के द्वारा मोबाइल स्नैचिंग, पर्स स्नैचिंग और चेन स्नैचिंग की घटनाएं कारित की जा रही हैं। उसके बाद जब मुकदमा दर्ज होता है, कार्रवाई होती है, गिरफ्तारी होती है, तो पता चलता है कि उन्होंने पहली बार ये घटना कारित की है। उनके माता पिता आते हैं, कहते हैं उनको माफ़ कर दिया जाए।